आज आपको लेकर चलते हैं हम रहस्यमयी दुनिया में, जिसके बेशुमार किस्से हैं, चमकते सितारों की दुनिया है, लेकिन छुपा हुआ गहरा अंधेरा। सदियों से इसके राज छिपे हुए हैं, लेकिन किसी को आज तक इसकी सच्चाई पता नहीं चली। क्या सच में ये कहानियां हैं, या हकीकत है, या बस एक फजाना इल्यूमिनाटी के पीछे है? ऐसा कौन सा खजाना जिसका आज तक किसी को पता नहीं चला? और अब तो शायद दिलजीत दोसांझ भी इससे जुड़ गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इल्यूमिनाटी काफी चर्चा में छाया हुआ है। कहा तो यह जा रहा है, आगे देखते हैं क्या है पूरी सच्चाई। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति राघव और आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज। सबसे पहले हम बात करें कि आखिर ये इल्यूमिनाटी है क्या, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, शायद इससे जुड़ना भी चाहते हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं। इल्यूमिनाटी ग्रुप 18वीं सदी में शुरू हुआ ऐसे लोगों का समूह है जो भगवान को नहीं बल्कि शैतान को मानते हैं। ये लोग अलग ही सोच के हैं, जो अपने सीक्रेट गतिविधियों से नई दुनिया बसा रहे हैं और दुनिया के बड़े फैसलों पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। ये ग्रुप के लोग खुफिया तरीके से मीटिंग करते हैं और रहस्यमय तरीके से दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि कोरोना संक्रमण को दुनिया में फैलाने के लिए इसी ग्रुप के लोगों ने चीन के साथ मिलकर योजना बनाई थी। हालांकि ये सोसाइटी इतना सीक्रेटली काम करती है कि इसका सबूत मिल पाना लगभग असंभव है। इस ग्रुप की शुरुआत एडम विशोफ्ट ने की, जो जर्मनी में केनन लॉ और प्रैक्टिकल फिलोसफी के प्रोफेसर हुआ करते थे। बेवरिया शहर में एडम एक शादीशुदा आदमी की तरह आम जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक नई दुनिया बसाने का सपना पल रहा था। एडम की सोच थी कि कैथोलिक सोच और चर्च के नियमों के कारण कई लोग खुलकर जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। यहीं से उन्होंने एक ऐसा ग्रुप बनाने का विचार किया जो बिना नियम के जिंदगी जिएगा, जिस पर धर्म की कोई बंदिश नहीं होगी, जो हर बेड़ियों से मुक्त मनमानी कर सकेगा। एडम विशोफ्ट ने 1977 में एक सीक्रेट मीटिंग रखी, जिसमें उन्होंने नई सोसाइटी बनाने के विचार लोगों के सामने रखे। इस मीटिंग में यूनिवर्सिटी के 5 लोग शामिल हुए थे। वो लोग भी नियमों से परेशान थे। सबकी सोच मिली तो नए ग्रुप की शुरुआत हो गई। 5 लोगों की जिंदगी और उनके कॉन्फिडेंट को देखते हुए कई लोग इनसे जुड़ने लगे। चंद सालों में ही करीब 3,000 लोग इस ग्रुप से जुड़ चुके थे। विशोफ्ट धार्मिक नियमों के बिना जीने वाला एक लोगों का ग्रुप बनाना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़ते गए तो नियम भी बनाए जाने लगे। कुछ ऐसे लोग भी ग्रुप से जुड़ गए जो भगवान के खिलाफ होकर शैतान लूसीफर को पूजने लगे। शैतानी गतिविधियां शुरू हुई और ग्रुप के मायने बदलते गए। इस ग्रुप को एडम ने ही इल्यूमिनाटी नाम दिया। इस ग्रुप का ऑफिशियली कोई लोगो तो नहीं है, लेकिन ग्रुप के लोग एक आंख को अपना चिन्ह मानते हैं। आंख को इसलिए महत्व दिया गया है क्योंकि आंख ही है जो दुनिया को देखती है। इस आंख को एक त्रिकोण में रखकर ग्रुप का लोगो बना दिया गया। देखते ही देखते शैतान की पूजा करने वाला ये ग्रुप भगवान को पूजने वालों के खिलाफ होने लगा। धार्मिक लोगों के साथ इस ग्रुप से जुड़े लोग बुरा व्यवहार करने लगे। काला जादू आम बात हो गई, जहां शैतान को खुश करने के लिए हर हद पार की जाने लगी। खबरें आई कि शैतान को खुश करने के लिए ये लोग इंसानों की बलि देते थे और आत्माओं को गिरवी रखते थे। ऐसे लोगों को इल्यूमिनाटी ग्रुप के लोग ऊंचा समझते थे। जहां कई देशों में अबॉर्शन गैरकानूनी था, वहां ये लोग अबॉर्शन करते हुए इसे बढ़ावा देते रहे। इस ग्रुप के लोगों के लिए आत्महत्या करना एक मामूली बात हो गई थी। जब इस ग्रुप के लोग आम जनता पर हावी होने लगे, तो सरकार ने इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया।
और ऐलान हुआ कि इस ग्रुप से जुड़ने वाले हर शख्स को सजाए मौत दी जाएगी। लेकिन इल्यूमिनाटी नहीं रुका, ये पहले से भी ज्यादा रहस्यमय तरीके से अपना एजेंडा चलाते रहे। ये ग्रुप एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करना चाहता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है ऐसी दुनिया जहां न कोई सरकार हो न कोई राजा। ये लोग अपने ग्रुप को इतना मजबूत और बड़ा करना चाहते हैं जिससे दुनिया पर राज किया जा सके। कहा जाता है कि दुनिया भर के कई नामी लोग भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर थ्योरी से सहमत है और सीक्रेटली इसका सपोर्ट भी करते हैं, जिसमें से एक नाम दिलजीत दोसांझ का भी अब सामने आने लगा है। मशहूर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने अपने कॉन्सर्ट का नाम दिल इल्यूमिनाटी रखा है, जिसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई है कि वो इसका समर्थन करते हैं। दिलजीत के इंटरनेट पर कई वीडियोस वायरल है जिनमें वह अपने हाथों से त्रिकोण साइन बनाते हुए नजर आते हैं। हालांकि सिडनी में एक कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत ने कहा था कि उन्होंने अपने हाथों से जो साइन किया था वो क्राउन चक्र का निशान था, इल्यूमिनाटी का नहीं। इसके बाद दिलजीत ने अपने कॉन्सर्ट का नाम ही इल्यूमिनाटी से जोड़कर रखा है। अब ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है और दिलजीत का इशारा भी। हालांकि दिलजीत ही नहीं बल्कि बहुत फेमस लोग इससे जुड़ने का दावा करते हैं। कई यूजर्स का कहना है कि रियलिटी शो बिग बॉस का लोगो जो त्रिकोण में एक आंख है इल्यूमिनाटी का ही प्रतीक है। कई लोगों का मानना है कि अमेरिकी एक्टर्स एंजेलिना जोली भी इल्यूमिनाटी की मेंबर है। उनकी फिल्म टॉम ब्रेडर की कहानी इल्यूमिनाटी पर आधारित थी। हॉलीवुड पॉप स्टार बेंगोशे को भी इसका मेंबर माना जाता है, क्योंकि कॉन्सर्ट के दौरान वह और उनके पति जेजी कई बार खास निशान बनाते हैं। इसे इल्यूमिनाटी से जोड़ा जाता है। ऐसा ही कुछ साइन बनाते हुए सिंगर रिहाना के वीडियोज भी काफी वायरल होते हैं। इल्यूमिनाटी का नाम सिर्फ स्लिप्स नहीं बल्कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति जेएफ केनेडी की हत्या हुई थी उसको लेकर भी, जो युद्ध हुआ था उससे भी जोड़ा जाता है। सरकार गिराने में भी कम्युनिटी का हाथ माना जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी खतरनाक हो सकती है ये रहस्यमयी दुनिया, जिसका सच भी पूरी तरह से अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक भ्रम है। वहीं कुछ लोग भगवान को नहीं मानते और इल्यूमिनाटी को मानते हैं, तो उनके लिए यह दुनिया वाकई में है, लेकिन सच अभी तक किसी को नहीं पता। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनता दरबार न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।